नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार बुलंदियों को छू रहा है। इसी का नतीजा है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आया है। इसी रिपोर्ट में हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा है। 0.6948 स्कोर के साथ हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहले स्थान को हासिल किया है। यह इस बात पर मोहर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहितैषी नीतियों का देश भर में डंका बजता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और कहा कि उनके मार्गदर्शन की वजह से ही यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक व सकारात्मक बदलाव आया है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक सहित कई अन्य राज्य शामिल हुए। इस रिपोर्ट में आर्थिक न्याय को श्रमिक उत्पादन, कार्मिक मजदूरी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे पहलुओं पर मापा गया। वहीं ग्रामीण और निकाय संस्था, घटते अपराध, आम जनता की समस्याओं का निवारण राजनीतिक न्याय के घटक रहे। इसी तरह स्कूलों में साफ पानी, सैनिटाइजेशन, बच्चों के विकास और लॉजिस्टिक व ट्रेड सेवाओं की आसानी सामाजिक न्याय के तत्व रहे। पब्लिक अफेयर सेंटर्स यानी पीएससी के निदेशक जी गुरुचरण ने कहा कि इस रिपोर्ट को एक गैर पक्षपाती तरीके से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, बड़े और छोटे, और मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया गया है और केंद्र शासित प्रदेश रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है, जबकि सिक्किम ने 10 छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि पीएआई 2022 शासन का विश्लेषण सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के ढांचे से न्याय के संवैधानिक रूप से निहित सिद्धांत में बदलाव का अनुभव करता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लेकर योजनाएं बना रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो व्यक्ति या समाज किन्हीं कारणों से पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अंत्योदय उत्थान योजना के जरिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में अभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और ज्यादातर योजनाओं का लाभ लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पीएआई इंडेक्स 2022 में पहले पायदान पर पहुंचा है, इसके लिए वे सभी को बधाई देते हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ चलते हुए अंत्योदय की भावना के साथ आमजन के सपनों को साकार कर रही है। आज समाज के हर एक तबके को बिना भेदभाव सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एक संस्था ने सर्वे किया है जिसमें हरियाणा सुशासन में देश भर में पहले नंबर पर आ गया है। उन्होंने कहा कि हमने सत्ता को भोगा नहीं बल्कि सत्ता को सेवा का साधन बनाया, गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाकर सिस्टम बनाकर आम जनता की समस्याएं दूर करने का प्रयास किया और जो बची हैं उन्हें भी दूर करेंगे। मुख्यमंत्री गुरुग्राम जिले के गांव नया गांव में उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। इस समारोह में पटौदी हरिमंदिर आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव सिंह और सोना के विधायक संजय सिंह भी पहुंचे हुए थे। समारोह में उपस्थित भारी भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जनहित की कई योजनाओं का उल्लेख किया और आम जनता का भी आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए नियम के हिसाब से काम करें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस प्रकार मोदी जी की अगुवाई में देश बेहतर सुशासन व्यवस्था परिवर्तन से सशक्त भारत बने की ओर अग्रसर हो रहा है, हम उन्हीं के दिखाए सन्मार्ग पर चलकर हरियाणा को भी देश का सिरमौर राज्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और इस दिशा में कार्रवाई चल रही है और अब लोग कहने लगे हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, जबकि 8 साल पहले
प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ये सोचने को तैयार नहीं था कि भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है। उन्होंने चिंता का ध्यान गैंगस्टरों पर की जा रही कार्रवाई की तरफ भी दिलाते हुए कहा कि गैंगस्टरों को भी सीधा करना है, इनकी जान इनके पैसे में होती है, सरकार इनका भी इलाज कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पाप के भागीदार नहीं बल्कि पुण्य के भागीदार बने। बिजली आपूर्ति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने सत्ता संभाली उस समय बिजली के लाइन लॉस 35% थे। हमने लोगों से बिजली चोरी रोकने से अपील की और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया। इसका सुखद परिणाम ये हुआ कि आज लाइन लॉसेस सिर्फ 14% रह गए हैं। हमने 21% लाइन लॉस को कम कर लिया है। और मुख्यमंत्री ने अपने हाल ही के दुबई दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा कि गुरुग्राम जिले में 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनेगी, तब यह शहर सिंगापुर और दुबई से कम रहने वाला नहीं है। उन्होंने गुरुग्राम को ग्लोबल मैप पर आइकन सिटी बताते हुए कहा कि यहां पर दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 400 कंपनियों के कार्यालय हैं और यह अब अंतर्राष्ट्रीय शहर हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम और न्यू जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ में विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी भी विकसित होगी, जहां पर जंगली जानवरों को रखा जाएगा। यह दिल्ली एनसीआर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार बहुत सारे अवसर सृजित होंगे। सीएम ने यह भी बताया कि नया गांव के नजदीक दमदमा झील को भी विकसित किया जा रहा है, उससे भी इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पर भी काम चल रहा है। हमारी इच्छा है कि सोना पंचकुला में शताब्दी ट्रेन का ठहराव हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसी हिसाब से उद्योग स्थापित होंगे, कॉमर्शियल गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और कार्यक्रम के आयोजक बलराज बड़ाना द्वारा रखी गई मांगों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव की वजह से लगी आचार संहिता के कारण वे आज कोई नई घोषणा नहीं कर सकते। जहां तक मारुति कुंज रिहायशी सोसाइटी में बने फ्लैटों के खरीदारों को मालिकाना हक दिलाने की बात है, यह फैसला पहले ही कष्ट निवारण समिति की बैठक में हो चुका है। इसी प्रकार पानी निकासी और सीवरेज प्रणाली डालने के बारे में भी वे नजदीकी गांव भोंडसी में जब गए थे तो उस समय यह घोषणा कर चुके थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मिलावटखोरों पर हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों की टीमें लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। मिलावटखोरी करके लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में सभी विभागों को अलर्ट किया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि त्योहारी सीजन में कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा सीएम फ्लाइंग पुलिस खाद्य आपूर्ति विभाग की मदद से लगातार छापेमारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कई जिलों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं और मिलावटी खाद्य पदार्थ भी पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने लोगों से आह्वान किया कि मिलावटखोरी करने वालों की शिकायत व सूचना तत्काल प्रभाव से पुलिस सीएम फ्लाइंग व खाद्य आपूर्ति विभाग को दें। त्योहारों के दौरान कुछ लोग गुप्त तरीके से इन कामों को अंजाम देते हैं, ऐसा करने वालों की सूचना संबंधित विभाग को देकर मिलावटखोरी पर अंकुश लगवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक छत के नीचे फूड व पानी टेस्टिंग की लैब स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है, इससे आम जनता को सहूलियत मिलेगी और इस संबंध में विभाग को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका विजन है कि जगह जगह टेस्टिंग स्पॉट बनाए जाएं ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें और समय समय पर पानी व खाद्य सामग्री की जांच करवा सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम संरक्षक योजना के तहत आवंटित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाए, ताकि जिन अधिकारियों द्वारा गांव गोद लिए गए हैं वे सीधे इस प्रकोष्ठ में अपनी फीडबैक रिपोर्ट भेज सकें और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका विश्लेषण किया जा सके। मुख्यमंत्री ग्राम संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को इस बात के लिए भी निर्देश दिए कि वे शमशान घाटों, आंगनबाड़ी केंद्रों, व्यायामशालाओं, स्कूलों व परिवार पहचान पत्र इत्यादि के कार्यों का सप्ताह में अवकाश वाले दिन या कार्यालय से छुट्टी के बाद अवलोकन करें। ग्राम विकास कार्यों के मॉनिटरिंग विकास एवं पंचायत विभाग भी करता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गांव में हुई मौतों की सही सूचना गांव के चौकीदार को देनी होगी और संबंधित सभी विभाग संयुक्त रूप से इसका रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम दर्शन व नगर दर्शन पोर्टल से अलग सीएम विंडो की तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में यह प्रकोष्ठ कार्य करेगा और
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर इसकी निगरानी की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। अधिकारी आवंटित गाँव में ये कार्य पूर्ण देखरेख के साथ करें। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।